आज देखिए सियासी पारा सुपर संडे जिसे सियासत का कहा जा सकता है वो देखने को मिला है, क्योंकि पहले दौर का मतदान 102 सीटों पर हो चुका है, अभी 6 दौर का मतदान बाकी है। लेकिन इस बीच तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने पूरे चुनावी प्रचार को आगे ले जा रही हैं, सामने वाले को घेरने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश को बांटने में अगर किसी का हाथ है तो वो कांग्रेस का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि बताया कि भाई भतीजावाद के साथ इस देश को अंदर से खोखला कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर पीएम मोदी ने लगाया, तो एक बार फिर विपक्ष के कई नेता सामने आए। वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान पहुंचे उन्होंने किन शब्दों में तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला, क्योंकि अभी तो 6 दौर का मतदान होना है, 4 जून को जाकर आप नतीजे जान पाएंगे कि किसकी जीत होने वाली है। लेकिन अभी से विपक्ष कह रहा है कि ये जो बिग बजट फिल्म बन रही थी 400 पार की, वो पहले दौर की वोटिंग में सुपर फ्लॉप हो गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता ने विश्वास एक बार फिर सरकार मोदी सरकार पर दिखाया। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने राजस्थान में क्या कहा। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों, अब देखिए कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया, इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया, और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। आपके इस सेवक ने भी किसान के हर खेत और हर बहन के घर तक पानी पहुंचाना अपना मिशन बनाया है। इतिहास में पहली बार जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजन लाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजन लाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।